तो टाइम एंड डिस्टेंस के 12 क्वेश्चनों के साथ हमारे टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। सेकंड टाइप है एवरेज स्पीड। तो इस वाले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा 2ab अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो एवरेज स्पीड होती है 2ab अपॉन ए प्लस बी। ए की वैल्यू उसने 12 दी है और बी की वैल्यू 10 दी है। तो क्वेश्चन है कि 13वां, कि गौतम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार्यालय जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल क्या है? तो ये हो जाएगी 2 × 12 × 10 / 12 + 10 = 22। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 120/11। और सिंप्लीफाई कीजिए, 11 कम 11, ठीक है, भागना जाने की 0, दशमलव आएगा, 11 × 99 और समथिंग कुछ और होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पहला हो गया जो एवरेज स्पीड का आपको पता होना चाहिए। टाइम एंड डिस्टेंस का 14वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने कार्यालय से जिस गति से घर वापस आता है उससे 1/4 गति से वह अपने कार्यालय जाता है। 1/4 का मतलब हो गया, अगर हम घर जाने को मान लें 4, तो 1 होगी ऑफिस जाने की स्पीड। यानी हमें स्पीड का रेशियो दिया है ऑफिस और घर का, यानी घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, तो 1:4 घर से ऑफिस है और ऑफिस से घर है 4:4। यदि पूरी फेरी के दौरान औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे है तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या होगी? तो हमें 1:4 की वैल्यू बताना है। हमें 2ab / a + b की वैल्यू दे दी है 15 और हमसे a की वैल्यू पूछ रहा है, यानी 1:4 की। तो 2 × 1:4 × 4:4 / 1+4 यानी 5:15 हो जाएगा। 2ab / a + b = 15 कर दिया, a की वैल्यू 1:4 पुट कर दी और b की वैल्यू 4:4। तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, ये 4 × 2 = 8 हो गया और ये 15 × 15 = 75। तो 1:4 की वैल्यू आ गई 75/8, यानी ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के 19 जून 2019 की फर्स्ट शिफ्ट को। टाइम एंड डिस्टेंस का 15वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी तथा अगली हर यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की गति से आधी थी। इन 4 यात्राओं में उस व्यक्ति की औसतन गति कितनी है? तो हमें एवरेज स्पीड बताना है, जो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो हम आपको एलसीएम मेथड से करके बताते हैं। ये पहली यात्रा, ये दूसरी यात्रा, ये तीसरी यात्रा और ये चौथी यात्रा। हमें स्पीड दी है पहली यात्रा के लिए 60, तो दूसरी के लिए 30 हो जाएगी, फिर 15 और फिर 15/2, क्योंकि वो बोल रहा है अगली हर यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की गति की आधी है। अब 60, 30, 15 और 15/2 का एलसीएम ले लिया तो हो गया 60, ये हमारी डिस्टेंस होगी, ठीक है, किलोमीटर में। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगी? ऐसे 4 यात्राएं कर रहा है तो 4 × 60। अब हमें टोटल टाइम और पता करना है, तो जब डिस्टेंस को हम स्पीड से डिवाइड करते हैं तो टाइम आता है, यानी पहली यात्रा में 1 घंटे लगा तो दूसरी यात्रा में 2 घंटे, फिर तीसरी यात्रा में 4 घंटे और चौथी यात्रा में 8 घंटे। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 8×4=3, 15 घंटे का। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास टोटल टाइम भी आ गया, 15×60, 4×16, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 16 किलोमीटर पर आवर उस व्यक्ति की।